नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A77 मोबाइल में, यानी कि दोस्तों ओप्पो A77 मोबाइल में ऐप को लॉक कैसे किया जाता है। जी दोस्तों, वो कोई भी ऐप हो, सारी की सारी ऐप को आप लॉक कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में किसी भी ऐप को लॉक करना, तो इसके लिए आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक कर दोगे, तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले से बना के रखा है, वही डालेंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे अपना प्राइवेसी पासवर्ड बना लोगे, तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगे, सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ से आपको जिस भी एप्लीकेशन को लॉक करना है, उसके सामने टिक यहाँ से दिख रहा है, उस टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से हम उदाहरण के लिए अपना गूगल प्ले स्टोर लॉक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं अपना गूगल प्ले स्टोर। तो दोस्तों यहाँ पे ये रहा हमारा गूगल प्ले स्टोर, इसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर दिया। जैसे इनेबल कर दिया, तो सक्सेसफुली हमारा गूगल प्ले स्टोर लॉक हो चुका है। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर लॉक हुआ या नहीं। दोस्तों यहाँ से कट किया, कट करने के बाद दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं अपना गूगल प्ले स्टोर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये रहा गूगल प्ले स्टोर, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे दोस्तों क्लिक किया, जो मैंने वहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड डाला था, वही जैसे यहाँ पे डालेंगे तो हमारा गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ओप्पो A77 मोबाइल में किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।